हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जयेश खाचूरियन, सेल्फ एंड फैकल्टी ट्रेड इलेक्ट्रीशियन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मजदूरों की समस्या किस प्रकार से की जाती है, उसका चार काम हमने बता दिया है ना। साथ में वो उस पॉइंट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, पहला चीज ये करना है कि कोई भी काम है ना, अगर उस पॉइंट को समझते हैं क्या क्या काम है, हमें ठीक है। पहला पॉइंट हम समझते हैं मशीनों की सुरक्षा। हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, पर इस वीडियो में हम लोग उसको जो बचा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये है मशीनों की सुरक्षा। पहला क्या होता है कि हम मशीनों की सुरक्षा करें, मशीनों की सुरक्षा किस प्रकार से होगी। अगर कोई कारीगर है वो काम को करना चाहता है तो काम को करने से पहले उस मशीनों की जानकारी उसको ले लेना चाहिए, तभी वो काम को सही तरीके से कर सकता है। और सही तरीके से करने के बावजूद मशीन भी सुरक्षित हो सकता है और सामने वाला जो काम कर रहा है कारीगर वो भी सुरक्षित हो सकता है। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए है ना, काम कोई भी काम है तो उसको मशीनों की जानकारी को रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अगर मशीन पर कोई काम कर रहा है तो नीचे उसके क्या रखना चाहिए, लकड़ी का एक बहुत बड़ा कार्डबोर्ड टाइप से उसको रखना चाहिए, हार्ड लकड़ी रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है कई बार मशीनों को लीकेज करंट ज्यादा होता है, लीकेज करंट होने के बावजूद उससे शरीर में प्रभाव कर लेता है, तो लीकेज करंट में हमारे शरीर में प्रभाव हो जाता है। लेकिन अगर हम नीचे लकड़ी के कार्डबोर्ड को यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, जो करेंट होता है हमारे शरीर से फ्लो होते हैं जमीन पर नहीं जाएगा, और जमीन पर नहीं जाएगा तो क्या होगा कि हमको करेंट नहीं हो सकता। ओके, इसको याद रखना है, ठीक है। इसका तीसरा पॉइंट होता है, अगर कोई भी मशीन का एक पार्ट खराब हो जाता है, ठीक है, खराब हो जाता है तो क्या होता है, उसको तुरंत चेंज कर देना चाहिए या उसको तुरंत रिपेयर कर देना। क्यों, क्योंकि मशीन का अगर एक पार्ट खराब होता है तो उसके धीरे धीरे सभी पार्ट क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। इस चीजों को आपको मशीन की सुरक्षा हम इसी प्रकार से कर सकते हैं कि अगर कोई भी मशीन का एक ही पार्ट खराब हो जाए तो उस मशीन के तुरंत उसके पार्ट तुरंत रिप्लेसमेंट करना चाहिए, और तुरंत रिप्लेसमेंट करने के बाद उसको तुरंत उसको मरम्मत करना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें एक पार्ट खराब होता है तो पूरे पार्ट उसके क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। देखो कई बार क्या होता है, रेती का प्रयोग हम करते हैं, रेती का प्रयोग करते हैं तो रेती का प्रयोग मशीन होता है तो हमने हमेशा नए रेती का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से हमको मशीनों की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो अब उसमें एक और पॉइंट बचा था, कारखाने की सुरक्षा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या जाता है, कारखाने की सुरक्षा। यहाँ पे मशीनों की सुरक्षा हुआ, लगभग आठ वर्षों से बताया चुका हूँ, अब पढ़ेंगे तो कारखाने की सुरक्षा। देखते हैं हम कार्यकांड की सुरक्षा। कार्यकांड की सुरक्षा क्या हो रहा है कि जो हमारा क्या कार्यकांड होता है उसको वर्कशॉप होती है। वर्कशॉप में क्या होता है, एक कारीगर अपना काम करता है, उसे बहुत सारे मशीनें होती हैं, तो उस मशीनों को आप सही तरीके से उसको बता रहे हैं, तो सुरक्षा के बारे में बताना है, ठीक है ना। करने से पहले उसी प्रकार क्या होता है, कार्यकांड की सुरक्षा आता है। यहाँ पर जितनी भी जो कारीगर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, अपने काम को काम अपने कार्य और कुछ मौलिक बातों का भी ध्यान रखते हैं, और उस बातों को हमको क्या ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो जो मैं बताऊंगा उससे कुछ मूल बातें हैं जो आपको समझना चाहिए, याद रखना चाहिए, ताकि आप कार्यक्रम जो वर्कशॉप में जो होते हैं वर्कशॉप में काम करते हुए आपको चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब आप पढ़ते हैं वर्कशॉप में कार्य करने की सुरक्षा, ठीक है। पहला क्या होता है, कोई भी अगर जॉब पे काम कर रहे हैं, कोई भी अगर कोई लोहे का है उसको फिनिशिंग करना है, तो हम अगर बेंच पर इसमें क्या करना चाहिए, उसको अच्छे से बेंच पर इसमें क्या करना चाहिए, उसको टाइटली उसको बंद टाइटली उसको फिट करने के बाद में उसको जाना चाहिए, उसकी ग्राइंडिंग करना चाहिए। कोई भी वस्तु कोई भी अगर चीजें हैं जिसको हमको टाइट करने के बाद में काम कर सकते हैं तो हमेशा बेंच पर इसका ही प्रयोग करना चाहिए। अगर हम किसी को उसको बात करें और हम उसको काम कर रहे हैं तो काम करने के बाद क्या वो कहीं से निकल सकता है, और निकलने के बाद क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, तो खराब होने के बाद है ना, खराब होने के बाद क्या हो सकता है, आंखों में लग सकता है। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, उसको अच्छे से बेंच पर इसको लगा के काम कर सकते, ठीक है। देखो क्या होता है, जब कोई भी मशीन हम क्या करें फाटने के औजार का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगर दूसरा एक होता हूँ, अगर मशीनों के
काटने का औजार उपयोग कर रहे हैं तो हम सही तरीके से काटने का औजार का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो सही तरीके से काटने का औजार उपयोग करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कार्य भूमि है हम उस कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। तो आपको इसकी याद रखना है, काटने का जो मशीन उसी तरीके से काटने का काटने की मशीनों का उपयोग करना चाहिए, ठीक है ना। देखो अब तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर कोई जॉब हमें मिला है और उसमें अगर बेहतरी के लिए हमको काटना है तो हमें अंदाजा उसको नहीं काटना है, हमें वहां पर रोलर स्केल स्टील टेप का यहाँ पर यूज करके हमको क्या करना है, उसको मेजर करना, उसको मापा करना, मापा करने के बाद उसको सही तरीके से उसको फिट करके उसको निश्चित करके हम लोग मशीन के साथ उसको काटना चाहिए, ये चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा चीज होता है कि कोई भी जॉब आप बना रहे हैं, कोई भी जॉब आप काम कर रहे हैं तो उसकी स्थिति पर तो उससे कार्य नहीं, तो आपको बड़ी बुद्धि समझना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी कार्य को बड़ी बुद्धि आप नहीं समझोगे तो क्या हो सकता है, काम खराब हो सकता है, काम खराब होने की वजह से आपका जितना भी मेहनत है वो खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी जॉब आप कर रहे हो वर्कशॉप में, कोई भी जॉब आप वर्कशॉप में कर रहे हो, जॉब को वर्कशॉप में करने से पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो कि तीसरा पॉइंट ये होता है, अगर पांचवा पॉइंट ये होता है, अगर हम लोगों को अगर कोई भी पाइप को काटना है तो हमें एक्स्ट्रा ब्लेड का यूज करना है, एक्स्ट्रा ब्लेड का यूज करने के लिए हमें जो एक्स्ट्रा ब्लेड है उसको टाइट नहीं रखना चाहिए, अगर वो टाइट रहेगा तो क्या उसका ब्लेड क्या हो सकता है, वो टूट सकता है। अभी जो छठवां पॉइंट ये होता है कि हमें जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है उसका सही तरीके से रख रखाव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको कहीं भी ऐसा रख देंगे तो उसमें वायुमंडलीय दाब ताप उसको पड़ेगा, पानी पड़ेगा, तो क्या हो सकता है हमारा जो मशीन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा, हमारा जो इक्विपमेंट है वो सही तरीके से काम करेगा। तो हमें क्या करना है, उसके रख रखाव की सही जानकारी हमें पता होनी चाहिए और उस जानकारी के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। सातवां पॉइंट है, कोई भी मशीन को हम कार्य पर दे रहे हैं तो कोई मशीन को काम देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको उसकी पूरी सफाई करनी चाहिए, उसका ड्रेसिंग करना चाहिए ताकि वो सही तरीके से स्मूथली क्या से कर सके काम कर सके, ठीक है। देखो क्या आपको चाहिए, मान लो अगर कोई भी हम लोग के पास सामान है उसको एक सामान वगैरह के स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, ठीक है, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो आपको क्या ट्रॉली का प्रयोग करना है, ठीक है, ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए। याद रखना है घर भी सभी घर भी मशीनें उसको ले जाने के लिए हमें हेल्पर करना चाहिए, और दूसरी चीज अगर हमारे पास कोई भी सामान है उसको ले जाने के लिए हमें ट्रॉली का प्रयोग करना चाहिए, तो इसलिए आप लोग को विशेष का ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इसका क्वालिटी ट्रायल करने की सुरक्षा वर्कशॉप की सुरक्षा यहाँ पर ऐसा इस प्रकार से करना है, ठीक है। याद रखिए तो सेम वही है मशीनों की सुरक्षा ट्रायल करने की सुरक्षा, अब हम आते हैं कार्यशाला की सुरक्षा उसको बोलते हैं फैक्ट्रेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा कार्यशाला की सुरक्षा, प्रकार का बताया जाता है, जिस प्रकार
रक्षा की दृष्टि से होते हुए उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, रक्षा उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें सही तरीके से लगा होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर अचानक पदार्थ सही तरीके से लगा होना चाहिए, जबरदस्ती या रुचि के साथ काम नहीं करना, एकाग्रता और सजग होकर हमें कार्यशाला में काम करना, ताकि हम अपने कार्य को सही तरीके से सही तरीके से हम काम को कर सकें। ओके, इस सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसका आता है पांचवा पक्ष। पांचवा पॉइंट ये होता है, अगर कोई भी सर्किट है, कोई भी जो जिसमें हाई मात्रा में करेंट प्रवाह हो गया है, वहां हमें क्या होना चाहिए, हजार मस्ती नहीं करना चाहिए, हमें उसे ठीक है। तो ये